नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 5000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती का ऑनलाइन आवेदन जारी किया है। तो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, CET का स्कोर कितना होना चाहिए, जो ऑनलाइन आवेदन की जो फीस है, ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है और परीक्षा तिथि, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये विज्ञापन जारी किया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये चेक कर सकते हैं। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है। इसमें टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार जो पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें 4911 NTSP के और 279 अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार टोटल 5190 पोस्ट हैं। TRA की अगर बात करें तहसील राजस्व लेखाकार की, तो इसमें NTSP के 170 हैं और अनुसूचित क्षेत्र का 28, इस प्रकार 198 पोस्ट हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर दोनों पोस्टों की बात करी जाए तो यहाँ पे 5300 के लगभग पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो योग्यता बात करें CET की, तो CET के बारे में यहाँ पे एक स्पष्ट गाइडलाइन दे रखी है कि जो CET का एग्जाम हुआ था और इसके उसका स्कोर कार्ड जो 28 अप्रैल को जारी किया गया है, तो समान पात्रता परीक्षा 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों को परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर फॉर्म तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो क्राइटेरिया रहेगा टोटल फॉर्म फिल करने के बाद में जो टोटल पोस्ट उनके 15 गुना अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज को ये अलग करेंगे, तो उसमें जो कट ऑफ होगी उस कट ऑफ के हिसाब से ये अभ्यर्थियों को अलग कर देंगे। तो मिनिमम जो 40% नंबर, और इसके अलावा आपको 15 गुना जो हैं टोटल पोस्ट के कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार पदों की जो प्राथमिकता है वो भरनी है, बाद में आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से भरें। ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप SSO पोर्टल से ही भरे जाएंगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई फीस नहीं लगेगी, न कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क एक बार लगेगी, उसके बाद में फिर दोबारा इसको शुल्क नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें CET की डिटेल भरेंगे, डिटेल भरते ही आपकी वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी और उसी से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। पंजीयन शुल्क की अगर बात करें, यहाँ पे फीस इन्होंने दे रखी है, जो फीस रहेगी OTR अगर आपने कर रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, नहीं तो अति पिछड़ा वर्ग और OBC की जो सामान्य वर्ग जनरल क्रिमिनल श्रेणी के 600 रुपये हैं, और नॉन क्रिमिनल श्रेणी के हैं OBC MBC और EWS जो हैं 400 रुपये फीस है। समस्त जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 400 रुपये है और SC ST की भी 400 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो कैटेगरी वाइज जो पदों का वर्गीकरण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 4911 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की अगर बात करें तो 1242। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें 545 है, अनुसूचित जनजाति की 409 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 714 है, अति पिछड़ा वर्ग की 171 है, EWS की 343, सामान्य सीटें बताई जा रही है। इसके अलावा महिलाओं का अलग है इसमें, और विधवा प्रत्यक्षता जो है वो अलग है प्रत्येक कैटेगरी का। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो दे रखा है वो दे रखा है दिव्यांगजनों का, भूतपूर्व सैनिकों का और इन सब का, मंत्रालय कर्मचारियों का और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का। तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की बात करें तो टोटल 170 पोस्ट हैं, 170 हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफरेंट जनरल की 43 हैं, अनुसूचित जाति की 19 है, अनुसूचित जनजाति की 14 हैं, अन्य पिछड़ वर्ग की 25 हैं, अति पिछड़ वर्ग की 6 हैं और EWS की 12 पोस्ट हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके जो जाति प्रमाण पत्र और उसके लिए, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपका मतलब एक बार बनता है, तो उसके बाद में क्या है कि अगर आप नॉन क्रिमिनल श्रेणी में है तो एक बार बनने के बाद में शपथ पत्र के साथ तो 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसमें वैलिड रहेगा आपका, अगर आपने बनवा रखा है, नहीं बनवा रखा तो कोई जो एग्ज़ाम आप फिलअप कर रहे हैं तो इसे 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास पहले से CET के टाइम पर आपने बनवाया होगा वो जाति प्रमाण पत्र इसमें चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुछ वो दे रखे हैं, जो सेम प्रोसेस होती है दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश हैं यहाँ पे। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो पात्रता किसी भी जो भी अभ्यर्थी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर लागत और संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, इसके साथ साथ आपके पास RSCET इसके समकक्ष कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।
राष्ट्रीयता, आयु यहाँ पे दे रखी है, आप 21 से 40 वर्ष तक भर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल L10 रहेगा, ठीक है। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिसर में राज्य सरकार समय जो वो आपको मिलता रहेगा 2 साल, जो प्रोबेशन रहता है राजस्थान में, तो इसमें लगभग 25,500 के लगभग आपको 2 साल तक प्रोबेशन टाइम पे मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन जो आप फिलअप करेंगे वो कब से स्टार्ट करने हैं आपको, तो ये हैं 27 जून से लेकर और 26 जुलाई तक, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 27 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, 26 जुलाई तक चलेंगे। परीक्षा है जो संभावित तिथि पहले से दे रखी है इन्होंने, 17 सितंबर को इसके एग्ज़ाम की संभावना है, मतलब पहले ही जो कैलेंडर था उसमें भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट डाल दी थी। इसके अलावा कुछ यहाँ अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के बारे में प्रावधान दे रखे हैं और कुछ दे रखे हैं, जैसे यहाँ जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता अवधि यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग की जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार कुछ प्रावधान है ये, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमलेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर भी मान्यता दी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी। क्रिमलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, एक बार क्रिमलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमलेयर में नहीं है तो ऐसे स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर भी पूर्व में जारी जो प्रमाण पत्र है उसको मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 अति पिछड़ वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ वर्ग जाति प्रमाण के आधार पर भी अति पिछड़ों का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। जो MBC कैटेगरी है उसमें OBC का ही बनता है, सिर्फ उसी के नाम से दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन दे रखे हैं, आप स्पष्ट जो गाइडलाइन है वो पढ़ लें एक बार। ये पूरा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे और लिंक इसका पूरा मिल जाएगा। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो इसका पहली भर्ती हुई थी 2013 वाली, सेम प्रोसेस है, सेम सिलेबस है, वो ये हिंदी इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ है और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। प्रत्येक के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। पार्ट बी में वो सेम प्रोसेस है, बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय शास्त्र और RSR राजस्थान सेवा नियम जो होते हैं उसके जो कुछ अध्ययन दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं वो ही पढ़ने हैं आपको, और सार्वजनिक वित्त लेखा नियम जो भाग फर्स्ट है उसका अध्याय जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें 25-25 प्रत्येक क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। इस प्रकार 2.5-2.5 घंटे के 2 पेपर होंगे ये और एक ही दिन हो जाएंगे, एक ही पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग और क्वालिफाई मार्क की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक जो पेपर है वो 450 नंबर का है। मिनिमम 35% मार्क्स आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड प्रत्येक में अलग अलग से लाने हैं और दोनों को जोड़कर मिनिमम 40% नंबर आपको लाने हैं। पाठ्यक्रम जो सिलेबस की अगर बात करें, पूरा विस्तृत सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, हिंदी पूरी जो टॉपिक हैं पूरे दे रखे हैं, इसमें इंग्लिश के टॉपिक दे रखे हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में है, दैनिक विज्ञान आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैथ है, कंप्यूटर है, फिर सेकंड पेपर का यहाँ पर। तो ये सिलेबस सेम 2013 वाली भर्ती का है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या हो कुछ भी तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप इस पर कर लें, डाउनलोड कर सकते हैं। इस अभ्यर्थी जो इस भर्ती का इंतजार उनके लिए अच्छी खुशखबरी है, एग्जाम का टाइम बहुत कम मिला है आपको, सिर्फ 17 सितंबर का एग्जाम है, 2 से 2.5 महीने हैं, अभी से आप तैयारी में लग जाइए, अच्छी नौकरी बहुत दिनों बाद में आई है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।